हम यहाँ सन्नेह सरोवर के किनारे पर बैठे हुए हैं और पास में वो सरोवर है जिसको ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। महाभारत के अंदर ब्रह्म सरोवर का शब्द नहीं मिलता। 18 पर्व हैं महाभारत में, उसमें कहीं ब्रह्म सरोवर नहीं मिलेगा। कोई आदमी कहे मैं अपने दादा और उसके परदादा और उसके परदादा और उसके परदादा की शादी में गया था, वो ब्रह्म सरोवर को गीता से जोड़ने वाले और महाभारत से जोड़ने वाले लोग जो हैं, क्योंकि ये महाभारत से कई हज़ार साल पहले यहाँ एग्जिस्ट करता था। सारे जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं और दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें सब में एक ही वर्णन है, कुरुक्षेत्रे महापुण्यम राहु ग्रस्त दिवाकरे। कुरुक्षेत्र सरोवर जो है उसका ये प्रताप है कि जब राहु ग्रस्त करे सूर्य को, तो सूर्य को मोक्ष दिलाने के लिए सूर्य को किसी तरह से उन राहु और केतु जो राक्षस थे उनसे मुक्त कराने के लिए यहाँ ब्रह्म सरोवर में आकर के। वैसे तो हर नदी पर, पवित्र नदी पर स्नान करना चाहिए सूर्य ग्रहण के अवसर पर, लेकिन शास्त्र कहते हैं कुरुक्षेत्र महापुण्यम, लेकिन कुरुक्षेत्र में जाने का महापुण्य है। तो आदि काल से यहाँ ब्रह्म सरोवर में मेला लगता रहा है। ये जो तीर्थ हैं इनको कहा जा रहा है कि ये 48 कोस के तीर्थ महाभारत से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस 48 कोस के तीर्थ में हमने अखबार में, दो अखबारों में, दैनिक जागरण में भी और भास्कर में भी ये लिख कर के दिया था कि अगर यहाँ कोई इस 48 कोस में कृष्ण का कोई प्राचीन मंदिर दिखा दे, महाभारत काल से जुड़े हुए हैं तो कृष्ण का कोई प्राचीन मंदिर 48 कोस के तीर्थों में दिखा दो, तो एक तीर्थ के दिखाने पर हम 500 रुपया इनाम देंगे। तो महाभारत से जुड़े हुए ये तीर्थ नहीं है, ये महाभारत से बहुत साल पहले तोड़े हुए हैं। ये तो महाभारत से बहुत पहले राजा कुरु यहाँ आए इस भूमि में, इसका बहुत बड़ा इतिहास मौजूद है, सारे पुराणों में मौजूद है। तो वो जब यहाँ आए, यहाँ उस भूमि में आकर के उन्होंने कृषि, और कृषि इसलिए की कि सारी जगह पृथ्वी जो है जब रसातल में जाने लगी कि धर्म समाप्त हो गया है, तो देवताओं को बड़ी चिंता पड़ी। तो देवताओं ने कहा कि धर्म कैसे बचेगा, तो उन्होंने कहा जी एक व्यक्ति है इस संसार के अंदर जिसके शरीर में धर्म का बीज है, अगर वो अपना शरीर दान कर दे और अपना शरीर बो दे तो संसार में धर्म बच जाएगा, नहीं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, धर्म से ही आधार पर टिकी हुई है। तो देवता आए, एक एक करके आए, पहले इंद्र आए, कोई आए से इस तरह से, तो लंबी चौड़ी कथा उनकी, लेकिन राजा कुरु को तैयार किया उन्होंने। राजा कुरु ने कहा कि मैं अपना शरीर देने को तैयार हूँ, लेकिन कैसे बोओगे इसको, तो उन्होंने सारी उसको विधि बताई कि तुम सोने का हल बनाओगे, इसको तुम्हारी रानियाँ जो हैं वो चलाएँगी बैल बन करके, और तुम्हारे वो जो हैं इंद्र वो उसको सिंचन करते जाएंगे, ब्रह्मा जल देते जाएंगे, और इसको जो है विष्णु तुम्हारा चक्र से अपना तुम्हारा शरीर काटते जाएंगे। तो उन्होंने हल चलाना शुरू किया और हल चलाते चलाते 48 कोस में ये हल चलाया उन्होंने। ये कौरव जो हैं उसी के वंशज हैं। तो 48 कोस के जो तीर्थ हैं ये राजा कुरु के बोई हुई ज़मीन, जो इस ज़मीन है उस ज़मीन में तरह तरह के तीर्थ हैं सारे। राजा हर्षवर्धन जो थे इतने बड़े चक्रवर्ती राजा, जिन्होंने इम्पीरियल कन्नौज के नाम से यानी पश्चिमी हिस्से में सिंधु देश से लेकर पूर्व में बंगाल तक राज्य किया, उन्होंने भी यहाँ कोई प्राचीन कृष्ण का मंदिर नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण के जन्म से बहुत पहले ये भूमि बसी हुई है। जहाँ हम सन्नेह सरोवर बैठे हैं यहाँ पर स्वर्ग से उर्वशी आई, और उर्वशी जो थी उनको छोड़ करके चली गई थी राजा पुरुरा को, और वो पागल हो गए थे, नंगे घूम रहे थे उसकी याद में, तो उनको बड़ी दया आई, उन्होंने कहा कि मैं इसको छोड़ करके चली गई थी। तो यहाँ पर कमल का बाग था सारा, अभी तक था, अभी जब इसको सुधार किया तब ये यहाँ इस हिस्से में सारे कमल थे, और यहाँ ब्राह्मण परिवार कई ऐसे थे जो उन कमल की के कारण ही
अपनी आजीविका चलाते थे, वो दिल्ली को ठेका दे देते थे, दिल्ली से लोग आके और वो ले जाते थे। तो ये कमल का बाग था, यहाँ उर्वशी मिली उनको पुरवा को और फिर उनको दया करके उनके साथ रहने लगी। यहाँ उन्होंने दो पुत्र उत्पन्न किए, एक का नाम था पुरु और एक का नाम था यदु। जो यदु हैं उनके वंश में कृष्ण जी पैदा हुए 151वीं पीढ़ी में। तो 151 पीढ़ी, अगर एक पीढ़ी 20 साल में भी गुजरती हो तो 3000 साल पहले, कृष्ण के जन्म से 3000 साल पहले यदु यहाँ पैदा हुए थे। और यदु के वंश में यादव वंश चला, उनके यदु के मानने वाले उसमें 151वीं पीढ़ी में आकर के कृष्ण जी पैदा हुए। परशुराम जी ने यहाँ इस क्षेत्र में क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम जी महाभारत में कहाँ से आ गए? परशुराम जी तो एक पूरा युग गुजर गया उससे पहले थे, त्रेता युग में परशुराम जी पैदा हुए राम के साथ। समंत पंचक रखा गया है, जो आदि पर्व है महाभारत का, जब उसको पढ़ो तो वहाँ इसका नाम कुरुक्षेत्र नहीं है। कुंती बता रही हैं कि मेरे पुत्र समंत पंचक में गए हुए हैं। समंत पंचक वो 5 तालाब हैं जो परशुराम जी ने दुष्ट क्षत्रियों को, ऐसे जो अनाचारी दुराचारी जनता का भक्षण करने वाले अत्याचारी जो ऐसे राजा थे, उन राजाओं का नाश करके और 5 तीर्थ जो थे, 5 तालाब रक्त से भर दिए थे, खून से भर दिए थे। फिर उनके जो पिता थे और उनके जो दादा थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर परशुराम जी को कहा कि ब्राह्मणों का काम शस्त्र उठाना नहीं है, इसलिए क्षत्रिय इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अब तुम क्षत्रियों का मारना छोड़ दो, जो दुराचारी थे अत्याचारी थे अनाचारी थे उनको तुमने मार दिया, हम बहुत प्रसन्न हो गए और अपनी प्रसन्नता के कारण कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा ये जो मैंने रक्त से 5 तालाब भरे हैं इनको जल से भर दो, ये रक्त हमें आशीर्वाद दे दो कि जो इन तालाबों में आकर के स्नान करेगा वो अपने इस पाप से, नर हत्या के या और संहार के पाप से छूट मुक्त हो जाएगा। तो 5 तीर्थ जो थे वो बहुत सारे लोग इतिहास वाले अपना इशारा लगा के कहते हैं कि बहुत सारे तीर्थ मिट्टी से भर गए और मिट्टी से भर कर रहेंगे, एक तीर्थ रह गया उसमें से, उसका नाम है राम हृदय। राम हृदय तीर्थ जो है शास्त्रों में वर्णन है, उसको बिगड़ करके नाम उसका हो गया रामरा, जींद के पास है रामरा। वो रामरा तीर्थ जो है वो परशुराम जी से जुड़ा हुआ है। करायत तीर्थ है कपिल मुनि, कपिल मुनि सांख के दर्शन के लेने वाले और उनका वर्णन गीता में बहुत विचार आया, बड़े पुराने थे वो, गीता से कई हज़ार साल पहले पुराने थे। अब वहाँ क्या है, कपिल मुनि के तीर्थ में हम गए, वहाँ हमने उनको कहा कि आपके तीर्थ में, कपिल मुनि के तीर्थ में कितने बाहर से लोग आते हैं, जो यात्री जो इसको देखने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ मेला लगता है कपिल मुनि का और तो कोई यात्री, हमने कहा 50 साल में कितने यात्री आए दिल्ली से बम्बई से मद्रास से, उन्होंने कहा जी कोई यात्री नहीं आता, बस यहीं गाँव से ही लोग आते हैं। तो हमने कहा गांव से जब लोग आते हैं तो इस तीर्थ को सारे देश के अंदर, तो इसको तुम महाभारत से जोड़ने के बजाय कपिल मुनि से जोड़ करके इसका प्रचार करो। तो ये तीर्थ जो है इस तरह से जगह जगह ऋषियों के, जहाँ जहाँ ऋषियों के आश्रम थे। अब अगर हम इसको महाभारत से जोड़ें तो एक बात और हो जाएगी, महाभारत में सरस्वती लुप्त हो गई थी पृथ्वी के अंदर। महाभारत में सरस्वती का वर्णन नहीं मिलता कि वो बह रही थी, सरस्वती का वर्णन मिलता है कि वो विश्वामित्र ऋषि के शाप से भूमिगत हो गई थी। तो महाभारत के ज़माने में तो पृथ्वी नीचे चली गई थी, महाभारत से हज़ारों साल पहले सरस्वती यहाँ थी, वैदिक काल में थी सरस्वती। अब अगर हम ये कह दें कि यहाँ का इतिहास महाभारत से शुरू होता है तो इसका मतलब उसकी सरस्वती की योजना तो फ्रॉड सिद्ध हो जाएगी। तो महाभारत से उसको जोड़ोगे तो क्या होगा, वैदिक काल का सारा। तो एक योजनाबद्ध जो प्रयास है कि हम वैदिक संस्कृति को नष्ट कर दें और हिंदुस्तान की जो पुरानी संस्कृति है जिसको हम कहते हैं सबसे पुरानी, वो केवल 5000 पुरानी रह जाए महाभारत के काल के। भारतीय संस्कृति तो बहुत पुरानी है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति। और एक हिंदुस्तान के दो आदमी हैं बहुत बड़े बड़े, एक की तो परसों ही डेथ हुई है, जिसके बारे में सारे भारत के जितने भी इतिहासज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि इतिहास का एक डोयन स्तंभ आज चला गया। और एक है यहाँ पर, जो यहाँ पर बहुत बड़े सारे इतिहासज्ञ रहे प्राचीन इतिहास के,
उन्होंने अपनी इतिहास की किताब में शुरू में ये लिखा है, एंटीक्विटी ऑफ कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्र की प्राचीनता, प्राचीन सभ्यता इतनी पुरानी है कि जिसको कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी पुराना पुरातत्ववादी आज तक पता नहीं लगा सका कि कितनी पुरानी है। इसलिए मान लिया गया है कि ये वैदिक काल से 10,000 साल पुरानी है, 10,000 साल ही मान ली गई है, तो इससे भी पुरानी है कुरुक्षेत्र, तो इससे ही पुराना है। तो अगर हम कुरुक्षेत्र को जोड़ें तो ये संस्कृति सारी नष्ट हो जाएगी और राजा कुरु का नाम नष्ट हो जाएगा जिन्होंने 48 कोस की भूमि जोती थी, क्योंकि कुरु तो महाभारत से बहुत पहले पैदा हुए। अब यहाँ इन्होंने एक तीर्थ ऐसा बनाया कि ये तीर्थ है महाभारत से जुड़ा हुआ, अभी बनाया है, उसका नाम इन्होंने रखा अभिमन्यु तीर्थ, अभिमन्यु नगर। अब इनको ये पता नहीं कि ये अभिमन्यु नगर जो है ये तो अभिमन्यु के दादा परदादा, उनके लक्कड़ दादा, उनसे भी बहुत पुराना है। ये सूरज कुंड कहलाता है, ये अमीन जो है, ये जो तीर्थ है सूर्य कुंड का तीर्थ है। यहाँ अदिति ने सूर्य को अपने जन्म लेने के लिए कि मेरे गर्भ से तुम जन्म लेना, तो यहाँ अदिति ने तपस्या की थी, तो मैंने उनको भी कहा कि आप जो हैं महाभारत का नाम अभिमन्यु नगर रख दिया, कोई यहाँ अभिमन्यु के नाम का मेला आज तक लगा है? कोई अभिमन्यु मरा उसके नाम का कोई मंदिर बना आज तक? क्योंकि लोग जो थे मूर्ख नहीं थे, लोग जो थे बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि अभिमन्यु के जन्म से कई हज़ार साल पहले यहाँ सूरज कुंड मौजूद था और यहाँ अदिति ने तपस्या की थी। तो मेला जो लगता है वहाँ अमीन में, वो अदिति की सूरज कुंड का मेला लगता है, अभिमन्यु का कोई मेला कभी लगा नहीं। या हमें दिखाएं किसी पुराण में या इतिहास में कि अभिमन्यु के नाम से कोई मेला लगाओ। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में जो मेला लगा है, वो भगवान कृष्ण भी जब यहाँ आए सूर्य ग्रहण पर, तो यहाँ ब्रह्म सरोवर में भी स्नान करके गए, ज्योतिसर में नहीं गए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। या दिखाएं किसी में कि भगवान कृष्ण ज्योतिसर ले गए थे अपने माता पिता को, भगवान कृष्ण अपने माता पिता को और जितने भी द्वारका के लोग थे उनको लेकर के आए थे। तो ब्रह्म सरोवर बहुत पुराना है, इन पुरानी चीज़ों को, पुराने जो हैं उनको क्यों मिटा रहे हो? एक शास्त्री थे चंडीगढ़ के, उन्होंने लिखा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा था सैन्योर उभयोर मध्य रथम उत्तमम स्थाप्यते, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। तो कहते अर्जुन ने ये कहीं नहीं, उस दोनों सेनाओं के बीच में कहते मैंने देखा कहीं पेड़ है ही नहीं बीच में, इधर सेना खड़ी है, इधर सेना खड़ी है, पेड़ कहाँ से आ गया? तो मैंने फिर शास्त्री जी को भी यही लिखा कि ये परंपराएं हैं, ये परंपराएं लोगों को स्थापित करती हैं कि तीर्थ है, तो इसलिए परंपरा के हिसाब से इसको मानो, इस हिसाब से मत देखो कि जी वहाँ कोई पेड़ नहीं था, वहाँ तो सेनाओं के बीच में खड़े थे। सेनाएं जो जंगल में थोड़ी खड़ी थी, इतना बड़ा मैदान था, 18 क्षोणी सेना के जंगल ऐसे पेड़ों के बीच में थोड़ी खड़ी होते हैं। तो हम इसको मानते हैं कि ये परंपरागत रूप से ये ज्योतिसर तीर्थ है। लेकिन ज्योतिसर की हालत ये थी कि वहाँ कोई थूकने भी नहीं जाता था, शहर का आदमी, सड़क बिल्कुल कच्ची। जिस समय भजन लाल जी आए तो मेन रोड जो जा रही है पेवा को, वहाँ से लेकर के और ज्योतिसर का जहाँ जगह बनी हुई है वहाँ तक सड़क बिल्कुल कच्ची थी। तो उनके आने पर जल्दी जल्दी वो ईंटें लगा करके, चार चार इतना पतले सी जगह है, तो भजन लाल को जूते तो वहीं उतारने पड़े मेन रोड पर अपनी कार में, और वहाँ से वो आए। लोगों ने कहा भी कि मुख्यमंत्री जी जूते तो पहन दो, कहने लगे भाई मैं ब्राह्मण हूँ, तीर्थ को जाने के लिए नंगे पैर जाओ तो बहुत पुण्य मिलता है। तो असली बात तो उन्होंने बताई नहीं कि सड़क ही कच्ची है, मेरे कीचड़ में फंस जाऊँगा, उन्होंने ये बात बता दी। उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का काम ये है कि तीर्थ यात्रा को जाए तो नंगे पैर जाए। तो ये कच्ची सड़क ईंटों की भजन लाल जी ने बनवाई, इसको पक्का किया नंदा जी ने। तो शहर के लोग कभी वहाँ तीर्थ ज्योतिसर में गीता जयंती मनाने गए नहीं। इसमें भी हमारी चुनौती है कि शहर में कोई भी परिवार ये बताए कि नंदा जी के पक्की सड़क बनवाने से पहले हम ज्योतिसर कभी गए हैं, तो हम उसको भी नाम देंगे। गीता स्कूल के बच्चे जो थे, ये 1947-48 की बात है, 48 में, कि गीता स्कूल के बच्चे जाते थे, दरियाँ ले जाते थे, झाड़ू ले जाते थे और सारी गंदगी उंदगी को साफ करते थे, कच्ची सड़क होती थी, कच्ची जगह होती थी, और यहाँ ये तीर्थ नहीं था, वह सिर्फ प्रेम भगवान कृष्ण के चरण जो थे इतनी सी जगह पर वो बने हुए थे।
तो यहाँ यज्ञ करते थे आकर के वो लोग, यज्ञ से काम होता था ज्योतिषर में। गीता स्कूल वाले बच्चे जाते थे, शहर का कोई आदमी नहीं गया। इसके बाद आना शुरू हुए बम्बई से, पांडुरंग शास्त्री जी आते थे। वो क्या करते थे कि एक हफ्ता पहले आ जाते थे, गांव-गांव में उनके चेले फैल जाते थे, वहाँ गीता सबको बांटते थे, सबको पढ़ा करके लाते थे, और जिस दिन गीता जयंती होती उस दिन वहीं यज्ञ करते थे। अब ये ज्योतिषर को नंदा जी ने ज़रा अच्छा बना दिया तो लोग थोड़े बहुत जाने लगे। पांडुरंग शास्त्री जी का जब देहांत हो गया तो अब भी जो आते हैं आदमी वो बाहर से आते हैं, बाबा बढ़िया बाबा जो हैं उड़ीसा से आते हैं, वो वहाँ यज्ञ कराते हैं। वो ज्योतिषर जाते हैं वहाँ, गीता के यज्ञ और गीता का पाठ होता है, वो भी परंपरा से है। हमने कहा ये परंपरा के कारण से तीर्थ है, आप जो कह रहे हो कि सिद्ध करो इसको कि 1,00,000 रुपये देंगे, ये सिद्ध नहीं होते हैं। तर्क से सिद्धि नहीं होती है, परंपराओं से सिद्धि होती है, लोगों की भावनाओं से सिद्धि होती है। तो परंपरा वाले लोग जो हैं वो तो आज भी बाहर से ही आते हैं। तीर्थों की बड़ी प्राचीन मर्यादाएँ हैं, वैदिक काल से मर्यादा है। कुरुक्षेत्र की भूमि तो ऐसी भूमि है जिसका मैंने कहा ना भाई कि हमारे जो पुराने इतिहासज्ञ वो कहते हैं कि ये कितनी पुरानी भूमि है इसका पता आज तक लगा नहीं सके दुनिया के लोग। अब कृष्ण जी का मुंडन होने के लिए, कृष्ण जी का मुंडन कराने के लिए भद्रकाली मंदिर में आए थे। कृष्ण जी के जन्म से पहले भद्रकाली का मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया था कि कृष्ण जी के माँ बाप यहाँ लाए मुंडन कराने के लिए, जमुना जी के किनारे नहीं कराया। महाभारत की लड़ाई से पहले जब इनको पता लगा कि वहाँ अश्वत्थामा के पास बड़े बड़े अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र है, तो अर्जुन को कहाँ ले गए कृष्ण जी, ये प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ ले गए कृष्ण जी, और यहाँ तपस्या कराई अर्जुन से, और अर्जुन को तपस्या करते हुए उन्होंने पशुपति अस्त्र दिया। तो ये तीर्थ महाभारत से कहाँ जुड़ गए, तो महाभारत से कई हज़ार साल पहले मौजूद था यहाँ, और इस तीर्थ में कृष्ण जी लाए थे कि वो तीर्थ इतना प्रसिद्ध है और इतना सिद्ध है कि वहाँ जाकर के तुम्हें पूजा करोगे तो भगवान शंकर प्रकट हो गए तुम्हें और वो दे देंगे। जब पृथ्वी बनी थी तो आदि तीर्थ उस ज़माने से हैं ये। यहाँ पर जामनी नाम का एक गांव है, आप गए होगे वहाँ, वो जमदग्नि का स्थान है, बिगड़ के जामनी हो गया है। तो परशुराम जी के पिता यहाँ रहते थे, परशुराम जी तो महाभारत से बहुत पहले पैदा हुए। तो इसलिए इसका अध्ययन अच्छी तरह करके कि तीर्थ जो हैं वो कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, कितने प्राचीन हैं, और वैदिक काल से अब तक ये चले आ रहे हैं तीर्थ। वैदिक काल को नष्ट मत करो, वैदिक सभ्यता को नष्ट मत करो। यहीं सरस्वती के किनारे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के जो आश्रम थे, इन तीर्थों के बारे में मेरा तो यही है कि इन तीर्थों की मर्यादा इस तरह से देखो कि एक एक तीर्थ किस किस के नाम से है। हमें पौराणिक अध्ययन, सारे पुराणों का बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, फिर हमें पता लगेगा कि महाभारत तो 1,000 से 1,500 साल बाद 2,000 साल बाद हुई है यहाँ पर। राजा कुरु का जब सारा शरीर काट काट के ब्रह्मा जी उन्होंने विष्णु जी ने बो दिया, तो अंत में उनसे पूछा कि भई तुमने अपने शरीर का, क्योंकि 8 आयामी धर्म उनके शरीर में था, और मैंने कहा जब धर्म का बीज बोया था तो उनसे पूछा था विष्णु भगवान ने कि इस क्षेत्र का क्या नाम रखा जाए, तो ये कहने लगे इंद्र वगैरह कि इस क्षेत्र में इन्होंने धर्म का बीज बोया है तो इस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र होगा। तो सब देवताओं ने कह दिया धर्म क्षेत्र होगा, धर्म का बीज बोया है। तो धर्म क्षेत्र तो ये महाभारत से 1,500 साल पहले बन चुका था राजा कुरु ने, लेकिन फिर विष्णु भगवान को बड़ी दया आई, उन्होंने कहा देवताओं तुमने इसका नाम तो रख दिया धर्म क्षेत्र रख दिया, ये देवताओं का दिया हुआ नाम है, ये गीता का नाम नहीं है, देव गीता से बहुत पहले नाम, गीता से बहुत पहले देवताओं ने इसको धर्म क्षेत्र घोषित कर दिया था। तो लेकिन विष्णु ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि राजा कुरु ने अपना शरीर बोया है यहाँ, अपना सारा शरीर काट करके धर्म का बीज बोया है, तो इस क्षेत्र का नाम इस राजा के नाम पर होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र नाम तो बाद में हुआ, पहले देवताओं ने इसको धर्म क्षेत्र कह दिया था, बाद में फिर विष्णु भगवान ने कुरुक्षेत्र किया। जहाँ धर्म का बीज बोया गया है उसको तुम यहाँ लाशों का क्षेत्र बना रहे हो। इस क्षेत्र में गांधारी ने कृष्ण को यहीं खड़े होकर के आशीर्वाद दिया था, जैसे तूने हमारे कुल का नाश कराया है ऐसे ही तेरे कुल का नाश होगा। तो ये तो वो भूमि है जहाँ कृष्ण जी को श्राप दिया गया था।
तो कृष्ण जी भी शराब से मोचन कराने के लिए अपने सारे परिवार को लेकर ब्रह्म सरोवर में आए डुबकी लगाने, इधर से राधा वगैरह आई थी। तो ये तीर्थ बड़े पवित्र तीर्थ हैं, बहुत पवित्र तीर्थ हैं और बहुत पुराने तीर्थ हैं, इसलिए इन तीर्थों की प्राचीनता को किसी तरह से भी कम मत करने दो। इन तीर्थों की प्राचीनता को प्राचीन ही रहने दो और उतनी पवित्रता रहने दो जितने पवित्र ये तीर्थ किसी ज़माने से रहे हैं, हजारों साल से रहे हैं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, ऐसा आदमी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा परशुराम जी जैसा, कि सारी भूमि जीत ली उन्होंने, सारी भूमि के राजा बन सकते थे वो, लेकिन विपुल बार मही देवन दीनी, परशुराम जी ने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया। कि परशुराम जी ने इस भूमि को सारी को जीत करके भी विपुल बार 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 मही देवन ब्राह्मणों को बांट दी। कोई ब्राह्मण भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई ब्राह्मण नंगा नहीं रहना चाहिए, कोई ब्राह्मण अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सारी भूमि जीती और ब्राह्मणों को दे दी।